हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और आज हम जो वीडियो कर रहे हैं ये एक पिक अ कार्ड रीडिंग है। अपने यहाँ पे दो कार्ड्स दिख रहे हैं आपको ऑलरेडी जो मैंने रखे हुए हैं। ये आपके ऑप्शंस है, आपको इन दो ऑप्शंस में से चूज़ करना है। और आज की जो रीडिंग होने वाली है उसका टॉपिक ये होगा कि आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है, आखिर उनके दिल में, दिमाग में, उनके मन के अंदर क्या चल रहा है। चाहे आप सेपरेशन में हो, चाहे आप सेपरेशन में ना हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, जो भी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, क्या चल रहा है उनके मन में, वो क्या सोच रहे हैं, क्या फीलिंग्स हैं उनकी और क्या करना चाहते हैं, क्या चाहते हैं आपसे, इसी के ऊपर ये रीडिंग है कि उनके मन में क्या चल रहा है। तो हमेशा की तरह आपको स्क्रीन पे ये दोनों ही कार्ड्स शो हो जाएंगे। आपको इन दो कार्ड्स में से एक कार्ड चूज़ करना है, इंट्यूटिवली चूज़ करना है। आँखें बंद करिए, सोचिए अपने पर्सन के बारे में और आँखें खोलते ही जो कार्ड आपको इंट्यूटिवली अपने तरफ खींचता है उसी को चूज़ करें। ये है कार्ड नंबर वन, ये है कार्ड नंबर टू। अगर आपको कार्ड के नाम से याद नहीं आ रहा है तो येलो कलर और रेड कलर इनमें से ऐसे आपको देखना है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं जिन्होंने कार्ड नंबर वन चूज़ किया है उनके पर्सन के मन में आखिर चल क्या रहा है। हेलो गाइस, जिन्होंने कार्ड नंबर वन यानी एनलाइटमेंट ये कार्ड चूज़ किया है, उनके पर्सन क्या सोच रहे हैं, चलिए देखते हैं। शुरुआत करते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज कार्ड्स, उनके एनर्जी रीड करने की कोशिश करते हैं कि वो फील क्या कर रहे हैं इस वक्त आपको लेकर। लेट्स स्टार्ट। फोकस पूरा आपका आपके पर्सन पे हो तो बेहतर होगा। मैं पिक का कार्ड आज इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बहुत टाइम हो गया मैं काफ़ी पिक का कार्ड नहीं कर रही हूँ, कलेक्टिव ही कर रही हूँ। और कैसे है ना, बहुत लोग वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है कि थोड़ा एक दो अगर ऑप्शंस रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा चूज़ करने में। और सो लेट्स स्टार्ट। तीन कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक, कार्ड नंबर वन, कार्ड नंबर टू एंड कार्ड नंबर थ्री। ओके, लेट्स सी। पहला कार्ड है ड्रीम्स कमिंग ट्रू नंबर नाइन, ये है टीच नंबर फाइव और ये है मूव नंबर सेवन। तो ये नंबर्स आपके लिए कुछ सिग्निफिकेंट नंबर्स हो सकते हैं। ओके, सो मुझे लगता है कि आप जिनसे डील कर रहे हो, आपके पार्टनर, मुझे लगता है वो अपने हार्ट को फॉलो करना चाहते हैं, वो अपने दिल को फॉलो करना चाहते हैं। जिस भी सिचुएशन में आप हो वो उससे अगर वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, अगर वो ख़राब सिचुएशन है तो वो उस ख़राब सिचुएशन को बेटर बनाना चाहते हैं, उस पर काम करना चाहते हैं, उसको ठीक करना चाहते हैं। जहाँ तक कि मैं देख रही हूँ जो स्टैग्नेंट एनर्जीज है आप दोनों के बीच, उसमें मूवमेंट लाना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू मूव, दे वॉन्ट टू मेक अ मूव, दे वॉन्ट टू मेक सिचुएशंस राइट विथ यू। ओके, मुझे ये भी लग रहा है वो आपका अटेंशन पाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप उनको एक्नॉलेज करें। हो सकता है कि उन्होंने आपसे बात करने की कोशिश की हो या कोई साइन देने की कोशिश की और आपने इग्नोर किया हो, तो दे वॉन्ट टू मेक श्योर कि आपका अटेंशन वो पाए। आई सी देम लिसनिंग विद टू देयर हार्ट, मुझे वो अपने दिल की सुनते हुए दिख रहे हैं। स्टैग्नेंट एनर्जीज में मूवमेंट लाना चाहते हैं, सिचुएशन को बेटर करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं अपने आप को और इस रिश्ते को। मुझे ये भी लग रहा है कहीं ना कहीं इस पर्सन को मे बी आप दोनों ने कोई सपने देखे हो इस रिश्ते को लेकर, कोई यू ड्रीम्ड समथिंग अबाउट दिस रिलेशनशिप एंड अब वो चाहते हैं कि आप दोनों इस रिश्ते पे काम करो और उन सपनों को पूरा करो। वो इस रिश्ते को लेकर जो आप लोगों ने सपने देखे थे, जो प्लान्स बनाए थे, जो कुछ सोच रखा था, वो उसको रियलिटी में बदलना चाहते। दे वॉन्ट टू मेक ड्रीम्स कमिंग इनटू रियलिटी। ओके, तो काफ़ी पॉजिटिव सोच रहे हैं।
हो सकता है उनको यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से कोई साइंस मिले हो, कोई सिग्नल्स मिले हो, और उनको रियलाइज़ हुआ हो कि आप कितने इम्पॉर्टेंट हो उनके लिए, आप कितने वैल्यूएबल हो उनके लिए, राइट? लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द हेल्प ऑफ ओशोज एंड डेक. लेट्स सी व्हाट आर दे थिंकिंग, व्हाट आर दे फीलिंग. चार कार्ड्स निकालूंगी मैं. दिस इज कार्ड नंबर वन, दिस इज कार्ड नंबर टू. ओके, तो पहला कार्ड है यहाँ पे एग्जिस्टेंस, नेक्स्ट है हार्मनी, प्रोजेक्शंस, स्ट्रेस, और बॉटम डेक में इस वक्त है एक्सपीरियंसिंग. सी, फॉर अ लॉट ऑफ यू, मुझे लगता है कि आपके पर्सन बिल्कुल भी एक हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है विदाउट यू. अगर आपसे बात नहीं हो रही है या बात होकर भी दूरी है, मिनिमल कॉन्टैक्ट है, तो दे आर नॉट हैप्पी विदाउट यू. मुझे ये पर्सन हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड में नहीं दिख रहे हैं. ओके, जैसे ही आपके बारे में सोचते हैं, जैसे ही ये आपके आपके लिए फीलिंग्स उनके मन में जागृत हो जाती है, ये पर्सन हैप्पी फील करने लगती है. ओके, ब्राइट फील करने लगते हैं, अदरवाइज दे फील स्ट्रेस्ड. इनके और आपके बीच में जब सिचुएशंस अब ठीक नहीं है, दे स्ट्रेसिंग अबाउट इट. वो उसको लेकर बहुत परेशान है, बहुत एंग्शियस है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड है. ओके, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, क्या एक्शन लिया जाए, कैसे सिचुएशन को बेटर किया जाए. व्हाट टू डू, उन्हें समझ नहीं आ रहा है व्हाट टू डू, हाउ टू ब्रिंग थिंग्स राइट बैक टू नॉर्मल. मुझे ये भी लग रहा है कि ये दूर रहकर या पास रहकर जो भी सिचुएशन है, अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो या सेपरेशन में हो या बात कर रहे हो बट एक दूसरे को समझ अगर नहीं पा रहे थे, काफ़ी इनडिफरेंसेस हो रहे थे, आप उनको समझ नहीं पा रहे थे, वो आपको समझ नहीं पा रहे थे, तो नाउ मुझे लगता है कि वो आपको समझ पा रहे हैं, वो एक नए नज़रिए से आपको देख पा रहे हैं. इवन आप भी उनको एक नए नज़रिए से देख पा रहे हो. ओके, तो अगर आप दोनों के बीच में कोई ख़राब सिचुएशन आई भी थी, इट वॉज़ फॉर द बेटरमेंट ऑफ दिस रिलेशनशिप. उससे कुछ अच्छा ही हुआ है आप दोनों के बीच में. मे बी आपका बॉन्ड डीप हुआ हो, मे बी आपकी अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे को लेकर बेटर हुई हो. तो मैंने कहा ना, आप दोनों का नज़रिया बदल चुका है एक दूसरे को देखने का, समझने का, जानने का. और आपके पर्सन के मन में अभी एक ही बात है, टू ब्रिंग यूनियन विथ यू. वो आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, वो आपके साथ सिचुएशंस को हील करना चाहते हैं, बैलेंस सिचुएशन बनाना चाहते हैं, एंड दे आर थिंकिंग अबाउट दैट ओनली. वो लगातार इसी बारे में सोच रहे हैं, हाउ टू ब्रिंग बैलेंस सिचुएशन विथ यू. ओके, मुझे कहीं ना कहीं ये भी फील होता है, देखिए आप दोनों जिस भी सिचुएशन से गुजरे हो, इस पर्सन को ऐसे लग रहा है कि आफ्टर ऑल दिस उनके आपके लाइफ में उनके लिए जगह ही नहीं है. मे बी उनको ऐसा फील हो रहा है, मे बी गलतफहमी हो, तो वो चाहते हैं कि वो आपके लाइफ में उनकी जगह फिर से बनाए, आपके मन में अपना ट्रस्ट वापस स्थापित करे. They want trust, they want your love, they want your attention. मैं बोल रही हूँ ना, ये क्रेव कर रहे हैं अपने आपके अटेंशन के लिए. मेरी आपने उनको अटेंशन देना बंद कर दिया, आपने बोला ओके तुम्हें मुझसे दूर जाना है, जाओ, और आपने उसके बाद कोई कॉन्टैक्ट नहीं किया. ऐसी भी एनर्जी मुझे फील हो रही है. तो उसके वजह से क्या हुआ कि इस पर्सन को लगने लगा कि आई वॉज रॉन्ग. मे बी इस पर्सन को मैं फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकता, मैं इस पर्सन को इस तरह परेशान नहीं कर सकता. ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड टैरो कार्ड से देखते हैं कि व्हाट इज़ द एनर्जी, वो क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में. पांच कार्ड्स चाहिए मुझे, अच्छे से शफल कर लेते हैं. पाइल नंबर वन, क्लियर एनर्जीज, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स. ओके, बहुत सारे कार्ड्स आए हैं, इतने कार्ड्स नहीं लेंगे. लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट्स पुल सम कार्ड्स. ये है कार्ड नंबर वन, ये है कार्ड नंबर टू, कार्ड नंबर थ्री, कार्ड नंबर फोर, और कार्ड नंबर फाइव. बस मुझे इतनी चाहिए. और बॉटम डेक में इस वक्त है द हाई प्रीस्ट, जो पाइसीज एनर्जी है.
चलिए कार्ड्स लगाते हैं। ये है किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन। ये है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो और सेगिटेरियस। ये है टेन ऑफ वॉन्ड्स, फिर से जेमिनाई, लीब्रा, अक्वेरियस। नो, फिर से नहीं है, ये न्यू एनर्जी है। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन जेमिनाई, लीब्रा, अक्वेरियस। एंड सिक्स ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। वाटर साइन, एयर साइन, फायर साइन के अर्थ साइन, सारे साइंस हैं। ओके, सो लेट्स टॉक वन बाय वन। जो ओवरऑल एनर्जी है जो बॉटम डेक में है इस वक्त, उसको देखकर मुझे यही फीलिंग आ रही है कि ये पर्सन एनलाइटन हो रहे हैं। ये पर्सन के अंदर की जो विजडम है अबाउट दिस रिलेशनशिप, अबाउट लव, अबाउट कनेक्टिंग टू यू, ये इनको सही रास्ता दिखा रही है। ओके, तो एनलाइटमेंट हुई है इस पर्सन के अंदर, उनको रियलाइज़ हुआ है कि कितना ज़रूरी है इस रिश्ते को अहमियत देना। ये रिश्ता किसी और रिश्तों की तरह नहीं है। ओके, दूसरी चीज़ जो मैं नोटिस कर पा रही हूँ, दे आर मिसिंग यू। ये आपके साथ वाला पल मिस कर रहे हैं, जब वो आपसे बात करते थे, जब आप दोनों मिलते थे, जो वक्त आप दोनों ने बिताया, जो प्रोमिसेस किए, जो ब्यूटीफुल मोमेंट्स उन्होंने आपके साथ बिताए, उनके मन में वो एक तस्वीर की तरह छप चुकी है। उनके आंखों के सामने एक पिक्चर की तरह वो दिख रहा है उनको। दे आर मिसिंग दैट डेज, वो रेमिनिसिंग कर रहे हैं उन दिनों की, याद कर रहे हैं उन दिनों को जब आपके साथ, आप दोनों के बीच सब कुछ एकदम ब्यूटीफुल हुआ करता था, जब आप दोनों बहुत ही ब्यूटीफुल और होल एनर्जी में थे, कंप्लीट फील करते थे वो आपके साथ। वो आपकी तरफ देख के उन दिनों को याद कर रहे हैं, वो मिस कर रहे हैं उन दिनों को। ओके, मुझे ये भी फील हो रहा है कि ये पर्सन, एक तो हो सकता है उनको देखकर ऐसा लग रहा है, आपके तरफ देखकर उनको ऐसा लग रहा है कि आप रेडी नहीं हो, आप उनसे बात नहीं करना चाहते, आप गुस्से में हो, आप इंटरेस्टेड नहीं हो, या आपने दरवाज़ा बंद कर दिया है, आपको इंटरेस्ट नहीं है। या फिर हो सकता है कि वो नाराज़ है क्योंकि आप उनको एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो, या उनको ऐसा लग रहा है कि आप तो भूल चुके हो, मे बी आप अब उनसे कनेक्ट नहीं करना चाहते, या आप उन, आपको वो पुराने दिन यही नहीं याद आते। सो या दैट इज़ वॉट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड। वो आपसे सवाल करना चाहते कि क्यों, Why are you not missing me? क्या तुमने मुझसे प्यार नहीं किया? Didn't you ever loved me? ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। ओके, कुछ मन में है इनके सवाल जिनके जवाब वो आपसे चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनको उन सवालों के जवाब मिल जाए। Let's see what are these questions? ये क्या एनर्जी है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की? What is this Queen of Swords energy? Okay, Five of Wands है और Judgment है। देखिए, मुझे लगता है कि for some of you, maybe उनको ऐसा लग रहा है कि आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, या आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, क्योंकि कुछ है जो आपको रोकता है। मे बी आपके साइड में कुछ ऐसी मजबूरियां है, या कोई ऐसे इश्यूज है दैट जो आपको रोकती है, और वो उससे गुस्सा है। या हो सकती है ये उनकी एनर्जी है जहाँ पे उनको कुछ रोक रहा हो, फैमिली या करियर या कुछ समथिंग। या हो सकता है उनको लग रहा हो कि आप काफ़ी अपने आप को अपनी बाउंड्री में सेट कर लिया है, आप नहीं जा रहे उनसे कनेक्ट करना। ओके, सो या ऑल्सो मुझे लगता है कि दिस पर्सन फील्स, इनको बहुत हर्ट हुआ है, दे आर हर्ट। जो भी उन्होंने आपके साथ किया, या जो भी वॉट एवर हैपेंड बिटवीन यू गाइज ना, उस चीज़ ने उनको भी उतना ही हर्ट किया है। दे आर ऑल्सो हर्ट, दे आर ऑल्सो नॉट हैप्पी, दे आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग। उनको लग रहा है जैसे आप उनको कभी मौका नहीं दोगे, आप उनको कभी कभी उनके उनको आपकी ज़िंदगी में आने का मौका नहीं दोगे, यू आर डन विद देम, ऐसे उनको फील हो रहा है। ओके, एंड दे आर हर्ट बाय दैट। ओके, दिन ब दिन उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है टू स्टे अवे फ्रॉम यू, आपसे दूर रहना, कनेक्ट ना करना। मुझे ये भी फील हो रहा है कि इस पर्सन को एक कॉन्फिडेंस है आपके बारे में। ओके, ये पर्सन आपको बहुत वैल्यूएबल मानते हैं, दे सी यू एज अ वेरी वैल्यूएबल थिंग इन देयर लाइफ। कोई ऐसा प्लांट जिसको हम सीड लगाने से फ्रूट्स उसके खाने तक का जो एक वक्त होता है ना, जो एक एहसास होता है कि यार मैंने इस प्लांट को बड़ा किया, या मैंने पानी डाला, प्यार किया इस प्लांट को, वो वाली फीलिंग उनको आपके लिए आ रही है। दे आर वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट यू, वो काफ़ी प्रोटेक्टिव है, काफ़ी टेरिटोरियल कह सकते हो। ओके, एंड इस वक्त भी वो उसी एनर्जी में है। दे वेरी
प्रोटेक्टिव ऑफ, उनको बार बार डर लगता है कि कहीं आपने उनको अपने लाइफ से बाहर तो नहीं कर दिया, कहीं आप उनसे गुस्सा तो नहीं हो, कहीं आपने आर यू डन विद देम, ऐसी एनर्जी उनको फील हो रही है। बट उनके अंदर मुझे कॉन्फिडेंस दिख रहा है कि वो आपको वापस पाके ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए उसके लिए। दे आर रेडी टू फेस एनी थिंग टू गेट यू बैक इन देयर लाइफ। ओके, चलिए आपके लिए एडवाइस देखते हैं। मैं टैरो कार्ड्स के थ्रू ही एडवाइस देखूंगी, ओरेकल से नहीं देखूंगी। ओके, व्हाट एडवाइस डू वी हैव फॉर द व्यूअर, पाइल वन के व्यूअर के लिए एडवाइस क्या है इस सिचुएशन में? तीन कार्ड्स चाहिए मुझे फॉर द एडवाइस। ओके, ये है कार्ड नंबर वन, ये है कार्ड नंबर टू और ये है कार्ड नंबर थ्री। तो ये है आपकी एडवाइस। पहला कार्ड देख लेते हैं, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, दूसरा है टू ऑफ पेंटिकल्स टॉरस वर्गो और कैप्रिकॉन, एंड प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। ओके, देखिए मुझे यहाँ पे कुछ एडवाइजेस जो मुझे नज़र आ रहे हैं दैट यू शुड नो। पहली चीज़, इस पर्सन, क्योंकि इस पर्सन ने आपको चूज़ नहीं किया था, या इस पर्सन ने आपके साथ जस्टिस नहीं किया, ये पर्सन ने आपको हर्ट किया, इस पर्सन ने आपको अकेला छोड़ दिया या घोस्ट कर दिया, और अब ये आपके लाइफ में आना चाह रहे हैं या ये आपके लाइफ का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, और हो सकता है फॉर सम ऑफ यू, हो सकता है आप मूव ऑन हो चुके हो ऑलरेडी इमोशनली, आप अब नहीं डील करना चाहते इस पर्सन के साथ, आपकी ज़िंदगी में इनकी कोई जगह नहीं है। मैं हर एक की बात नहीं कर रही हूँ, प्लीज़ हर एक चीज़ अपने से मत लगाइएगा। नीचे कमेंट्स में आप बोलते हो फिर कि दी हम तो नहीं मूव ऑन होना चाह रहे हैं, आप क्यों ऐसा बोल रहे हो, आपकी एनर्जी नहीं है ये, किसी और की हो सकती है। ठीक है, तो दिमाग खुला रख के सोचिए मैं क्या बोल रही हूँ। हो सकता है आप मूव ऑन हो चुके हो या आपकी ज़िंदगी में कोई और आ चुका हो, तो आपको इनके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपने दिल से मूव ऑन कर लिया है, दिमाग से आपने सोच लिया है, इफ़ यू आर ओवर दिस पर्सन, प्लीज़ आप अपने रास्ते पे चलिए। ओके, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, जस्ट बिकॉज इनको रियलाइज़ हो रहा है और ये आपसे अब प्यार करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपने प्रायोरिटीज़ को बाजू में रख के इनसे वापस पैचअप कर लेना चाहिए। ठीक है, यू कैन वॉक ऑन योर पाथ। दूसरा, मुझे ये भी लग रहा है कि आपको जब ये पर्सन आपसे बात करते हैं, या ये मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है ये पर्सन ज़्यादा टाइम तक नहीं रह पाएंगे आपसे दूर, तो जब वो आपके पास रीच आउट करते हैं, आपका अपना एक बाउंड्री होना चाहिए सेट, आपको पता होना चाहिए कि मैं इतने लिमिट तक ही सहूंगी या मैं सहूंगी ही नहीं। दैट शुड बी योर माइंड सेट कि आई नीड टू बी वैल्यूड, आई डोंट नीड टू बी एन ऑप्शन। आपको ये चीज़ क्लियर करनी है अपने एक्शन से। ओके, जितना वैल्यू देना चाहिए उतना ही दीजिए, अपने आप को पूरा झोंक मत दीजिए इस रिलेशनशिप में, और फिर से दोबारा आगे जाकर हम नहीं कह सकते इस पर्सन की एनर्जी चेंज हो या नहीं हो। सो फॉर व्हाट यू आर नॉट सीइंग राइट नाउ, उसके लिए रिस्क पे मत डालिए अपने आज को। ओके, एंड अगर, जैसे मैंने कहा, अगर आपको लगता है कि ये रिश्ता आपके लिए नहीं है, ओके, उनको माफ़ कर दीजिए अगर वो आते हैं तो, बट टेल देम क्लियरली कि यू डोंट वांट टू डील विद देम। और फॉर दोज ऑफ यू, अगर आप उनसे डील करना चाहते हो, अगर वो आते हैं आपके पास एंड आप उनको एक मौका देना चाहते हो, तो मुझे लगता है कि एक बैलेंस रखिए। अगर वो जितना प्यार दे रहे हैं आप ही उतना ही दीजिए। हाँ, मुझे पता है कि प्यार में ये सब चीज़ें नहीं देखी जाती है, बट क्या है ना, अभी का प्यार ऐसा हो गया कि इट्स नॉट सो प्योर। जितना आप ज़्यादा सामने वाले पर्सन के लिए कन्वीनियंस क्रिएट करते हो ना, वो पर्सन आपको उतना ही फॉर ग्रांटेड लेता है। तो कीप अ बैलेंस, कीप गिव योर सेल्फ ऑल्सो जस्टिस। ओके, तो ये एक सिचुएशन। चलिए लव स्क्रोल्स देख लेते हैं। सो दिस पर्सन इज पैशनेट फॉर यू, यू आर प्राइजलेस, आई टोल्ड यू, इनको आपकी वैल्यू समझ आ चुकी है। नेक्स्ट है सब ठीक होगा, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। नेक्स्ट है तुम्हारी आंखें बड़ी सुंदर है, सो दे लव योर आइज, दे अडोर योर आइज। एंड आखिरी मैसेज है चेंज इन सिचुएशन, आई टोल्ड यू सिचुएशंस बदलने वाली हैं बहुत ही जल्द। फॉर पाइल नंबर वन, मैंने जैसे बोला एनलाइटमेंट हो चुकी है उनके अंदर, दे हैव हील्ड, दे हैव गॉन थ्रू स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट एंड दे हैव रियलाइज योर वर्थ। तो यही थी रीडिंग फॉर द पाइल नंबर वन। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले, और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइएगा। सी यू नेक्स्ट वीडियो।
हेलो गाइस, पाइल नंबर टू जिन्होंने ये रिन्यूअल दिख रहा है ना, रिन्यूअल ये कार्ड चूज़ किया था। चलिए देखते हैं कि उनके पर्सन के, उनके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में। इसको शफल कर लेती हूँ अच्छे से। फॉर पाइल नंबर टू आई वॉन्ट क्लियर एनर्जीज, मुझे क्लियर एनर्जीज चाहिए, क्लियर मैसेजेस चाहिए। पाइल नंबर टू रिन्यूअल कार्ड जिन्होंने चूज़ किया है, प्लीज़ एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, क्लियर मैसेजेस फॉर पाइल नंबर टू। ओके, सो इनमें से हम लोग उनकी एनर्जीज देखने की कोशिश करते हैं। शुरुआती तौर पे तीन कार्ड्स चाहिए मुझे फॉर पाइल नंबर टू, थ्री कार्ड्स फॉर पाइल नंबर टू। लेट्स स्टार्ट। दिस इज़ कार्ड नंबर वन, दिस इज़ कार्ड नंबर टू एंड दिस इज़ कार्ड नंबर थ्री। एंड बॉटम डेक में इस वक्त है बिलीव एंड सक्सीड। अगर आप बिलीफ रखोगे, अगर आप विश्वास रखोगे तो आप सक्सेसफुल होने वाले हो जो भी सिचुएशन है। ओके, लेट्स सी कार्ड नंबर वन, सी सक्सेस एंड ग्रोथ। नंबर एट, गिविंग एंड रिसीविंग। नंबर सिक्स एंड कमिंग टुगेदर, ये है नंबर टू। नंबर्स आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं इसलिए मैंने बताया। अब देखते हैं फॉर पाइल नंबर टू, हम उनके मन में क्या चल रहा है। सो फर्स्ट एंड फोरमोस्ट जो एनर्जी मुझे फील हुई है, अनोइंगली नोइंगली मुझे किसी ने किसी को मैनिफेस्ट किया है, ये दिख रहा है यहाँ पे। समवन हैज़ मैनिफेस्टेड द अदर पर्सन इन देयर लाइफ। या तो ये आप हो जिसने इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट किया है, या तो आपके पार्टनर है जिन्होंने आपको उनकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट किया है। समवन हैड डेफिनेटली मैनिफेस्टेड द अदर पर्सन, उनका प्यार, उनका अटेंशन, उनका वक्त, उनकी केयर किसी ने यहाँ पे मैनिफेस्ट किया है। इफ़ यू हैव डन दैट कमेंट करिए नीचे। देखिए, मुझे लगता है कि आपके पर्सन जो है, आपके पार्टनर, उनका एक ही सोल पर्पज, उनका एक ही सोल पर्पज, मतलब सोल पर्पज नहीं, SOUL, उनका एक ही पर्पज है, SOLE, सोल पर्पज एक ही है। दे वॉन्ट टू इंटीग्रेट विथ यू, वो आपके साथ एक होना चाहते हैं। दे वॉन्ट यू बैक इन देयर लाइफ। ओके, एंड मुझे यहाँ पे काफ़ी लोगों का एक तो यूनियन हो चुका है अभी फ़िलहाल ही में, या तो यूनियन नहीं हुआ है तो कुछ ऐसा सिग्नल या साइंस मिले हैं कि दे आर गोइंग टू रियूनाइट विथ यू। मतलब काफ़ी टाइम से अगर उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा था या दूर थे 3-4 महीनों से या एक साल से, अचानक से उनके मैसेजेस आना शुरू हो गए या फिर वो नज़दीकी बढ़ाना आपसे शुरू कर दिए, समथिंग और द अदर। मुझे लगता है कि दे वॉन्ट टू कम बैक टू यू। एक तो आ चुके हैं, एक तो आना चाह रहे हैं और आएंगे ही 100%। या ड्यू डेफिनेटली मुझे ये पर्सन आते हुए दिख रहे आपकी ज़िंदगी में। ऑल्सो मुझे कहीं ना कहीं फील होता है कि इस पर्सन को ये चीज़ समझ में आ चुकी है कि इस रिश्ते में ज़रूरी है इक्वल गिव एंड टेक, बैलेंस होना। आप जितना प्यार दे रहे थे उनको, या जितनी केयर दे रहे थे, जितनी इंपॉर्टेंस आपने दे रखी थी इस पर्सन को, उनको भी वो देना ही पड़ेगा। दे आर अंडरस्टैंडिंग, या फिर उनको समझ आ गई है ये बात कि दे नीड टू इन्वेस्ट। अगर वो कुछ ले रहे हैं तो उनको भी देना पड़ेगा, लेन देन ज़रूरी है इस रिश्ते में। ओके, दे कैन नॉट बी द ओनली वन जो आपसे प्यार ले रहे हैं, आपको एनर्जी, आपके एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं एंड खुद कुछ नहीं इन्वेस्ट कर रहे। सिचुएशंस ऐसे नहीं चलती है, रिलेशनशिप ऐसा नहीं चलता है। उनको भी आप पे केयर करनी पड़ेगी, उनको भी वक्त देना पड़ेगा, उनको भी आपके लिए जस्टिस करना पड़ेगा, तब आप उनके लिए करोगे, राइट। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि इस पर्सन का जो माइंडसेट था, अगर अभी तक ऐसा था कि नहीं यार हम लोग की शादी ही नहीं हो पाएगी, नहीं यार मैं तो इस रिश्ते में कमिटमेंट देने के लिए तैयार ही नहीं हूँ, नहीं यार मेरे पास तो इतना वक्त ही नहीं है, मेरे को मेरा करियर पे देना है, एनीथिंग, कुछ भी रीज़न था ना इनका इस रिश्ते से भागने का, इनको इस रिश्ते की फ्यूचर पे सक्सेस नहीं दिख रहा था, नाउ उनका नज़रिया चेंज हो चुका है। ओके, वो अब सक्सेस देखने लगे हैं, ग्रोथ देखने लगे हैं इस रिश्ते में, और वो आया है उनके माइंड शिफ्ट के वजह से। उनका माइंड है वो शिफ्ट हो चुका है, पहले वो नेगेटिव सोचते थे तो अब वो पॉजिटिव सोच रहे हैं, और ये अपने आप हो रहा है। हो सकता है आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ किया हो, आपने हीलिंग कराई हो, या आपने खुद अपने पॉजिटिव वाइब्स भेजे हो। देखिए, मुझे काफ़ी लोग पूछते हैं कि अगर हमको दूर रहकर किसी को प्यार भेजना है, या किसी को हील करना है, या उनको हमारी याद दिलानी, तो कैसे करनी है। तो बहुत सारे वैसे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टेक्निक्स होते हैं, बहुत कुछ टेक्निक्स है जिससे आप ये कर सकते हो। अगर आप चाहते हो तो मैं
थोड़ा टाइम निकाल के एक एक टॉपिक पे बात करूँगी। बहुत सारे टेक्निक्स हैं, मैंने इसके पहले भी एक टेक्निक डाली थी 2 कप्स मैनिफेस्टेशन की, अगर आपने वो देखी नहीं है तो प्लीज़ जाके देखिएगा मेरे चैनल पे, 2 कप्स मैनिफेस्टेशन मिस्टिक हिंदी टैरो डालिए, आ जाएगा। अगर आपने वो नहीं वो यूज़ किया है आपको रिजल्ट मिला भी है, मैं आपको एक सिंपल टेक्निक बताती हूँ, अगर आपको आपके पर्सन में चेंजेस देखने हैं तो। आपको क्या करना है कि अगर आप इस वक्त बहुत स्ट्रेस ले रहे हो, रो रहे हो, आप कोस रहे हो अपनी ज़िंदगी को, अपने लव लाइफ को, और आपने होप्स ही हार दिया, आप हमेशा नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हो इस रिश्ते के बारे में कि यार वो तो चला गया, यार वो तो नहीं आएगा, उसमें तो कुछ बदलाव नहीं आएंगे, ये क्या बात कर रहे हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जो भी नेगेटिव सेल्फ टॉक आप करते हो ना, उसको चेंज कर दो पॉजिटिव सेल्फ टॉक में, और आपको माइंडसेट अपना मन भी वैसा ही होना चाहिए आपका, शांत, हैप्पी हैप्पी लाइट। आपको ऐसा फील करना है कि आप दोनों का रिश्ता ठीक ही है, कुछ नहीं हुआ है आप दोनों के रिश्ते में, जस्ट आप दोनों की बात नहीं हो रही है बट प्यार सेम है, और आपको वो फीलिंग्स भेजने हैं टुवर्ड्स योर पर्सन। आपको आंखें क्लोज करके ऐसा फील करना है कि दे आर विथ यू, वो आपके साथ है, वो आपके लिए प्यार भरे मैसेज टाइप कर रहे हैं, वो आपकी याद आके आपको कॉल लगा रहे हैं और आपका कॉल बज रहा है, नाउ हियर इट इज़ रिंगिंग योर फ़ोन, ऐसा कुछ आपको फील करना है। और जब ये कंटिन्यूसली करते हो ना आप, तब चेंजेस होना शुरू। हाँ, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, अगर आपके पर्सन की शादी हो चुकी है, उनके 2 बच्चे हैं, तो भाई छोड़ दो उनको, उनकी ज़िंदगी में हैप्पी रहने दो, आप आगे बढ़ जाओ। बट अगर स्कोप है, अगर वो भी सिंगल है, वो किसी के साथ नहीं है, एंड अगर उन्होंने आपको चीट करके किसी के साथ है अभी, तो भी ये काम कर सकता है। जस्ट यू हैव टू एक्टिवेट देयर हार्ट चक्र, आपको उनके हार्ट चक्र को एक्टिवेट करना है, और वो किस तरह से होगा, आपको प्यार भरी थॉट्स अपने मन में जनरेट करने हैं कॉन्शियसली, एंड यू हैव टू फील कि आपका हार्ट से एक रे जा रही है उनके हार्ट तक, एंड वो सारे ब्यूटिफुल फीलिंग्स उन तक आप रेडिएट कर रहे हो, तभी ही ये पॉसिबल होगा, और आप क्विक रिजल्ट देखोगे इसके। लाइक अनएक्सपेक्टेडली आप सोए होंगे और रात को, और सुबह आपको कॉल आ जाएगा उनका, या मिस्ड कॉल होगा या कोई मैसेज होगा। ओके, मैं इसके ऊपर कभी डिटेल्ड वीडियो बनाऊँगी और एक गाइडेड मेडिटेशन भी बनाऊँगी ताकि आप उसको फॉलो करके वो कर पाओ। ओके, सो दीज आर देयर फीलिंग्स। अब हम आगे बढ़ते हैं और ओशोज इंडेक्स से भी देख लेते हैं कि उनके फीलिंग्स क्या है इस वक्त। 4 कार्ड्स चाहिए मुझे, क्लियर मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 2, क्लियर मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 2। क्लियर मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 2। बॉटम डेक में इस वक्त है प्लेफुलनेस, ब्यूटिफुल एनर्जी है, दे वॉन्ट टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ विथ यू, वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेट्स सी द कार्ड्स। अबेंडेंस है, ब्यूटिफुल अवेयरनेस, गिल्ट, ये सबसे गंदी वाली एनर्जी है, इसमें कभी नहीं रहना आपको किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में। फ्रेंडलीनेस, इससे जो अच्छी होने वाली एनर्जीज है वो भी नेगेटिव हो जाती है। ओके, सो आपके पर्सन की फीलिंग्स की बात की जा रही है, वो क्या सोच रहे हैं। पहली बात, दे आर गिल्टी अबाउट समथिंग, मे बी उन्होंने आपको चीट किया हो, मे बी उन्होंने आपको इम्पोर्टेंस ना दिया हो, मे बी उन्होंने आपको वक्त ना दिया हो, प्यार ना दिया हो, अटेंशन ना दिया हो, एंड वो गिल्टी है। दे आर रिग्रेटिंग वॉट एवर दे हैव डन, सेड, थॉट, वॉट एवर दे हैव डन टूवर्ड्स यू और दिस रिलेशनशिप। वो कोस रहे हैं, वो काफ़ी नेगेटिव सोच रहे हैं, और एग्जैक्टली आपको उनको इससे ही बाहर निकालना है। यू हैव टू, आपको ये रेडिएट करना अपना प्यार, और उनको ये जताना है कि इट्स ओके, ओनली इफ़ यू थिंक इट्स ओके, जबरदस्ती का मैं बोल रही हूँ इसलिए नहीं, इफ़ यू थिंक कि आपको, यू आर, आप इतना प्यार करते हो उनसे कि आपको उनके दर्द, दिए हुए दर्द या दुख भी, यू कैन बेयर इट, यू कैन सेंड दीज वाइब्स। और ये पर्सन रिग्रेट कर रहे हैं अपने एक्शंस, अपने बिली, अपने दो थॉट्स, अपने जो जो भी इन्होंने किया आपके साथ, वो उस चीज़ को रिग्रेट कर रहे हैं। ओके, एंड मुझे लगता है क्योंकि प्लेफुलनेस और फ्रेंडलीनेस आया है, प्लेफुलनेस बॉटम डेक में आया था, मुझे लगता है ये पर्सन एक न्यूनेस के साथ इस रिश्ते को शुरू करना चाहते, कोई पास्ट की एनर्जी, कोई स्टैगनेंट एनर्जी, ब्लॉकेजेस, वो सब लेके वो नहीं रहना चाहते आपके साथ। वो बोलना चाहते हैं आपको कि आई वॉन्ट द पास्ट इन द पास्ट, एंड मुझे एक न्यू ब्रांड शुरुआत करनी है। आखिर में कॉल आपका ही होगा, डिसीजन आपका ही होगा, बट मुझे लगता है ये पर्सन फ्रॉम फर्स्ट दे वॉन्ट टू स्टार्ट फ्रॉम फ्रेश, दे वॉन्ट टू जस्ट गिव इट अ फ्रेश स्टार्ट। ओके, ऑल्सो मुझे लगता है पर्सन बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आपको राइट नाउ ऑल्सो, लाइक वेन यू वॉचिंग दिस रीडिंग,
दे आर इधर कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली दे आर थिंकिंग अबाउट यू, मे बी वो सो रहे हैं, ड्रीम्स देख रहे हैं, मे बी जाग रहे हैं और आपके बारे में सोच रहे हैं, दे आर मिसिंग यू, वो आपकी आपको याद कर रहे हैं। मुझे ये भी लगता है कि उनको इस रिश्ते में पोटेंशियल दिख रहा है, उनको इस रिश्ते की ब्यूटी दिख रही है, दे अंडरस्टैंड योर वैल्यू, दे अंडरस्टैंड योर लव नाउ। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, टैरो कार्ड्स से देखते हैं कि उनके फीलिंग्स क्या है, क्या है उनके मन में। नंबर वन, पांच कार्ड्स चाहिए मुझे, तीन चार एंड पांच। बॉटम डेक में इस वक्त है डेथ, अ रिन्यूअल ऑफ सम सेंस, कोई रिन्यूअल आ रहा है, स्कॉर्पियो एनर्जी। यस, रिन्यूअल की बात हुई है, आई एम सॉरी बट यहाँ पे रिन्यूअल का ही कार्ड है, ब्यूटीफुल। ओके, नाउ फर्स्ट इज द लॉर्ड, एम्प्रेस की एनर्जी, एरीज, फाइव ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसीज। नेक्स्ट है द चैरियट, ब्यूटिफुल, कैंसर एनर्जी है, कर्क राशि, द मजिशियन, जेमिनाई, एंड लास्ट वन इज प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आप देख रहे हो कितने ब्यूटिफुल एनर्जी, एक भी नेगेटिव एनर्जी मुझे नहीं दिख रही है सिवाय के इसके जो कि हमने बात भी की, दे आर इन गिल्ट। ओके, मेजर अरकाना काफ़ी हैं यहाँ पे। ओके, तो ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट करते हैं जैसे आप जानते हो। अब बात करते हैं व्हाट डू दे वांट, उनके मन में क्या चल रहा है। पहली बात, उनको मूवमेंट चाहिए, जैसे मैंने बोला वो आना चाहते हैं, रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। ओके, मे बी उन्होंने इस बारे में बोला हो आपको या नहीं बोला हो, मे बी दे आर गोइंग टू से इट, बट दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू। ओके, दे हैव मेड देमसेल्व्स रेडी फॉर दिस, उन्होंने अपने आप को रेडी किया है टू टेक दिस फर्दर, वो अब रेडी है इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, इस रिश्ते को बेटर करने के लिए। एंड मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि दे हैव ऑल द नेसेसरी टूल्स, उनके पास वो अब सब कुछ है जो आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। मे बी आप उनसे कमिटमेंट चाहते थे, तो अब वो फाइनली रेडी हो चुके हैं कमिटमेंट के लिए। मे बी आप उनसे स्टेबिलिटी चाहते थे, तो अब वो रेडी हो चुके हैं स्टेबिलिटी देने के लिए। मे बी आप चाहते थे कि वो अपने फैमिली से, तो वॉट एवर यू वर एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ देम ना, वो सब अब उनके अंदर है, दे हैव इट इन देम। ओके, नाउ दे नो, नाउ दे श्योर, उनके अंदर मुझे श्योरिटी दिख रही है कि हाँ भाई अब मैं रेडी हूँ, कुछ भी आ जाए आई एम गोइंग टू फेस इट। ओके, बट जैसे मैंने कहा कि इस पर्सन के मन में कुछ ना कुछ, वन पर्सन तो एटलीस्ट रख लो कि कोई तो कोई ना कोई नेगेटिव थाट है, मे बी गिल्ट है किसी प्रकार का। मे बी उनको लग रहा है कि आप उनको उन पर ट्रस्ट नहीं करोगे, या दे विल बी लेफ्ट ऑल अलोन। ओके, तो दैट इज़ द ओनली इशू हियर, कि वो 100% में से 90% अगर पॉजिटिव सोच रहे हैं, तो थोड़ा सा 10% नेगेटिविटी है उनके अंदर, जो इट्स नॉट गोइंग टू बी अ बिग डील। लेट्स क्लैरिफाई दिस एनर्जी। फाइव ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? सी, आई टोल्ड यू, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, रिश्ते के सक्सेस को लेकर थोड़ा डाउट है इस पर्सन को, उनको डर लग रहा है, उनकी तरफ से नहीं, उनको आपका डर लग रहा है कि आप कैसे रिएक्ट करोगे व्हेन दे कम बैक और व्हेन दे ऑफर दिस स्टेबल ऑफर। तो वो अपने ऑफर को बार बार देख रहे हैं, जो भी वो आपसे कहना चाह रहे हैं या ऑफर करना चाह रहे हैं ना, दे आर लुकिंग एट इट ओवर एंड ओवर अगेन, देख रहे हैं, शुड आई ऑफर दिस, क्या ये उस पर्सन के लिए बस है, इनफ है, या मुझे कुछ और इसमें ऐड करना चाहिए। ओके, तो कंट्रोल इस पर्सन के हाथ में है अबाउट ऑफरिंग समथिंग टू यू, बट दे विल बी ओवर इट, वो इस रिश्ते को बैलेंस पे कंट्रोल पाके ही रहेंगे। दे आर इन दिस माइंड सेट ऑफ गेटिंग यू, लाइक गो गेटर मूड में है ये पर्सन, एक्शन लेना चाह रहे हैं, वो एम्परर बन चुके हैं, दे हैव बिकम एन एम्परर, जहाँ पे वो आपको प्यार, अफेक्शन, केयर, टाइम, स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, शादी, वट एवर, दे कैन गिव यू एनीथिंग नाउ, दे आर रेडी फॉर इट। या अब हम लोग आपके लिए कुछ एडवाइजेस देखते हैं, पॉइंट नंबर टू के लिए कुछ एडवाइजेस, जो मैं टैरो कार्ड से ही निकालूंगी, हम लोग ओरेकल से एडवाइस नहीं निकालेंगे। तो हमारे व्यूअर्स, पाइल नंबर टू के क्या एडवाइस रहेगी, क्या करना चाहिए उनको इस सिचुएशन में? ये है कार्ड नंबर वन, ये है कार्ड नंबर टू और ये है कार्ड नंबर थ्री। ओके, सो लेट्स सी, एंड बॉटम डेक में टू ऑफ वॉन्स है। ओके, प्लानिंग नीडेड ऑफ सम सॉर्ट। पहला है यहाँ पे सिक्स ऑफ वॉन्स, एरीज, लियो और सैजिटेरियस। नेक्स्ट है नाइन ऑफ वॉन्स, फिर से एरीज, लियो, सैजिटेरियस और सिक्स ऑफ कप्स। ओके,
सो आपके लिए एडवाइस ये है पाइल नंबर टू के आपको माइंडसेट पे काम करना है आपके। आप भी जैसे आपके पर्सनल रिश्ते का सक्सेस देख पा रहे हैं, वैसे शायद आप नहीं देख पा रहे हो, शायद आपके साइड से आप कुछ ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हो। देखिए, अगर आप खुद ही ब्लॉकेजेस क्रिएट करने लगे, अगर आपका ही मन शांत नहीं है और आप भी पॉजिटिव नहीं हो, तो क्या खाक आप इस पर्सन को पॉजिटिविटी दोगे? आपको इनको हील अगर करना है माई डियर फ्रेंड्स, तो पहले आपको हैप्पी होना पड़ेगा, शांत रहना पड़ेगा। ओके, तो वो तभी होगा जब आपका माइंडसेट ठीक होगा, एंड माइंडसेट जब ठीक हो जाएगा, आप इस सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को फील कर पाओगे, सक्सेस को देख पाओगे इस रिश्ते के। मे बी अभी आप नहीं देख पा रहे हो, अभी आपको क्लोज डोर्स दिख रहे हैं, अभी आपको इश्यूज दिख रहे हैं, ऑब्स्टेकल्स दिख रहे हैं। लुक बैक, पीछे देखिए मुड़ के, क्या कभी भी इस पर्सन के साथ आपने अच्छा समय स्पेंड नहीं किया? क्या कभी भी आपने इनको मिस नहीं किया? क्या आप इस रिलेशनशिप को फिर से रिवाइव नहीं करना चाहते? अगर आपका सवाल हाँ है, तो मुझे लगता है हील योर सेल्फ, टेक टाइम फॉर योर सेल्फ। अगर आपको लगता है ये सब बहुत फास्ट जा रहा है, ये पर्सन आ रहे हैं फटाफट से आपसे टाइम मांग रहे हैं, जो भी मांग रहे हैं, टेल देम यू नीड सम टाइम। ओके, सो द ओवरऑल एनर्जी ऑफ दिस कार्ड इज़ द रिन्यूअल, जो आपको अपने अंदर भी लाना है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लव स्क्रोल्स देख लेते हैं। सॉरी, मैं कभी कभी डांट देती हूँ, बट मुझे गुस्सा आ जाता है। सोलमेट्स, मेनी ऑफ यू आर सोलमेट्स। अब मैं आपको डांटूंगी नहीं तो कौन डांटेगा? डू यू मिस मी? क्या आप उन्हें, क्या आपको उनकी याद आती है? वो पूछ रहे हैं आपसे, मुझे तुमसे मिलना है। सो या दे वॉन्ट टू मीट यू, फेस टू फेस कम्युनिकेशन चाहते हैं। नेक्स्ट इज विश द बेस्ट फॉर यू, तो वो हमेशा आपके लिए अच्छा ही मांगते हैं, विश करते हैं, आपके वेल विशर है। एंड रिलीज टॉक्सिसिटी, मे बी ये मैसेज वो आपको देना चाहते हैं, मे बी आपके मन में डाउट्स है इस रिश्ते को लेकर। ओके, प्लीज़ वर्क ऑन दैट। तो यही थी रीडिंग, अगर कुछ चीज़ें रेजोनेट हुई है या पूरी रीडिंग ही रेजोनेट हुई है, कमेंट करके बताइएगा। एंड अगर आप इस रीडिंग के एनर्जी को क्लेम करना चाहते हो, अपने किसी दो फ्रेंड्स में इस रीडिंग को शेयर कीजिए और उनको बोलिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आई विश के आप दोनों के रिश्ता बेटर हो, एंड एक रिन्यूअल आए आप दोनों के रिश्ते में और सब कुछ ठीक हो जाए। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइज, ख्याल रखिए अपना।